काफी लोग पूछ रहे हैं कि ये मोजो रोजो कौन है, किस इंसान ने गालियां दी हैं राजू श्रीवास्तव जी को उनकी मौत के बाद, क्यों ये इतना खुश है उनकी मौत से। तो मैं आपको बता दूं, जिस ट्विटर अकाउंट से आया है मोजो रोजो नाम, ये है रोहन जोशी, जो आपने सुना होगा ऑल इंडिया बकचोद करके एक ग्रुप था तन्मय भट्ट का, वहां पर ये उनके साथी कॉमिक थे। एंड मैं आपको एक बार इनका ट्वीट पढ़ के बता देता हूँ, वी हैवंट लॉस्ट द थिंग वेदर इट वॉज कर्मा वेदर इट वॉज द रोस्ट ऑफ एनी कॉमिक इन द न्यूज। राजू श्रीवास्तव took every opportunity he ever got to shit on newer comics, especially after the new wave of stand-up comedy started. He went on every fuck all news channel every time he was invited to go shit on an upcoming art form and call it offensive just because he could not understand it and new star were rising. He might have told a few good jokes, but he understood nothing about the spirit of comedy or defending someone's right to say something, even if you don't agree, fuck him and a good radiance. तो भाई ये बकलोली चोचा कहना चाह रहा है कि भाई इनका कर्मा था, इन्होंने कभी भी ना अपकमिंग टैलेंट की कदर नहीं की। न्यूज वाले इनको बुलाते थे क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी में गाली गलौज होते ही हैं, और वहां ये बताते थे कि तो घटिया चीज है, तो वल्गर है। भाई वल्गर को वल्गर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ठीक है, जिस तरीके की कॉमेडी राजू श्रीवास्तव जी करते थे बिना गाली के, बिना किसी ऐसे शब्दों के जिससे कि आप फैमिली के साथ बैठकर देखें और असहज हो जाएं, अनकंफर्टेबल हो जाएं, तो भाई उनसे आप पूछोगे कि ये गालियां वालियां जिस तरीके की कॉमेडी करते हैं वो सही है गलत, तो भाई वो बंदा क्या कहेगा? गलत है। हंसाने का मतलब ये नहीं कि आप सामने वालों की मार लो, बिना बेइज्जती करे बिना गाली दिए भी कॉमेडी हो सकती है। इस चीज के सपोर्ट में थे राजू श्रीवास्तव, एंड दिस इज द गाय जिन्होंने एक ट्वीट किया था जब बीच में ऐसी खबरें आई थी कि सलमान खान रामायण में हनुमान बनने वाले हैं, तो उनका ट्वीट था कि सलमान खान इज गोइंग टू प्ले हनुमान इन रामायण, पुअर सीता, फक इधर वे नाव, और ये अपने आप को फिर कॉमेडियन बोलते हैं। जनता प्लीज कमेंट करके बताएं कि ये कहां से कॉमेडी है, कौन कौन लोग हैं जो इस रोहन जोशी के समर्थन में, और कौन लोग कहते हैं कि दिस इज जस्ट बुलशिट नॉट अ कॉमेडी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब करके रखिए, बाकी जो भी खबरें होंगी आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाएंगी।